हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्टिचिंग। आज हम बताएंगे बैक गले में डिजाइन। गले की चौड़ाई ली है जिसमें मैंने 4 इंची और लंबाई भी ली है 4 इंची और इसे बोट नेक गला कटिंग की है। और जी मैं सेकंड गला काट रही हूँ जिसमें मैंने 11.5 इंची लंबाई ली है, चौड़ाई ली है 4 इंची और एक कोष्टक बनाऊंगी और उसमें एक मैं गोल शेप दूंगी। जो ऊपर जो निशान लगाया है मैंने 1 इंची पर चौड़ाई ली है और 1 इंची पर ही लंबाई ली है। और किसी आप गोल ढक्कन से इस पर आधा आधा कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से डिजाइन बनाई है मैंने। ये देखिए हमारी डिजाइन बनकर तैयार है और हमारा गला इस तरीके से बनेगा। ये ऊपर वाली कटिंग पे मैंने एक कपड़ा लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगाई है और इसे अब साइड से मोड़ूंगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। इसका ये बीचा बीच में मैंने गले की साइड ली है, इस पर एक कट लगाया है और बीचा बीच में मैं गला रखकर रेडी करूंगी। आप पिन की हेल्प ले सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। मैंने बुकरम पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाई है, किनारे सिलाई लगाई है और इसकी कटिंग करेंगे और इसमें कट लगाएंगे छोटे छोटे इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमारा सेकंड गला है जो कि नीचे की साइड लगेगा बीच में। ये मैंने कपड़े पर मोड़ लिया है और इस तरीके से इसमें बीच में रखकर सिलाई लगानी है। ये कोने का आप ध्यान रखें, कोने अच्छे से बनाएं। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरे गले को रेडी करेंगे हम और उसके बाद इसमें कट देंगे। देखिए इस कपड़े की कटिंग करेंगे आप इस तरीके से। देखिए पिनों को निकाल देंगे। इसके अंदर भी कट देंगे ताकि ये अच्छे से पलटे और फिनिशिंग आए। ये देखिए इस तरीके से इसे पलटना है। ये देखिए मैंने पलट दिए हैं। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, किनारे किनारे पर ही सिलाई देनी है ताकि फिनिशिंग आए और ये अच्छे से कोने निकल कर आए। ये देखिए इसमें मैंने बटरफ्लाई भी लगाई है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।